मैंने क्या बोला, आपको ये बात याद रखनी है कि इनपुट फंक्शन कैसे यूज किया जाएगा, और उसके बाद ये बात भी याद रखनी है कि इनपुट फंक्शन जो होगा वो हमेशा क्या पास करेगा, स्ट्रिंग, वो हमेशा पास करेगा स्ट्रिंग। तो यहां से जो भी आ गया स्ट्रिंग आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ इस लाइन को डिलीट कर दूं, मैं यहां लिख दूं जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 2, तो क्या जेड को 2 ऐड होना चाहिए? क्यों? क्योंकि यूजर वहां से एंटर नंबर के आगे नंबर ही एंटर करेगा। उसके बाद मैं करूंगा प्रिंट जेड, ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ क्या किया मैंने, आपके बेटा किसी की माइक चल रही है उसको बंद कर दो, तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज पास कर दी, ये आ जाएगी। उसके बाद वो चला जाएगा, जो वहां से वैल्यू होगा वो जेड के अंदर जाएगा, उस वैल्यू को हमने ऐड किया 2, वो वापस जेड में चला जाएगा। और उसके बाद फिर हमने जेड को प्रिंट कर दिया, क्लियर? अगर हम इस चीज को रन करेंगे, ये देखिए एंटर नंबर 5, तो ये देगा एरर। क्या बता रहा है एरर? मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। मतलब ये जो प्लस ऑपरेटर है इसकी खासियत ये है कि अगर मैंने इसके दो ऑपरेंड्स स्ट्रिंग दे दिए तो वो उनको कॉन्कैटिनेट करता है, अगर नंबर दे दिए तो उनको ऐड करता है। समझ आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, प्लस ऑपरेटर जो होता है इसकी खासियत ये होती है कि अगर मैंने इसके दो ऑपरेंड्स नंबर दे दिए तो ये उन दो नंबर्स को ऐड कर देगा, अगर 2 और 5 दे दिया तो ये 7 दे देगा, जबकि अगर मैंने इसके इसको दो स्ट्रिंग्स दे दी, राम प्लस कुमार, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, राम कुमार, एक ही स्ट्रिंग, क्लियर? तो यहां एरर आ रहा है, भाई ये स्ट्रिंग होना चाहिए, तुम मुझे इंटीजर दे रहे हो। ये किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है 2, तुम मुझे इंटीजर दे रहे हो, जबकि मुझे ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेड स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही अपेंड किया जाएगा। अभी देखो, अभी अगर मैं इसको यहां पे कोई स्ट्रिंग दे दूं, अब अगर इसको रन करेंगे हम, अभी चल रहा है 5, हेलो, सो स्ट्रिंग 5, जेड क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये भी क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, उनको कंकैटिनेट हो गया, ऐड हो मतलब मिलाया गया आपस में, और उसको वापस रखा गया जेड में, जेड स्ट्रिंग है, तो फिर यहाँ पे हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है, ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमेशा वहां से जो लाएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप ही होगा, और जिस भी वेरिएबल में ये डाल दूंगा वो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो, नहीं सर मैं ये नहीं चाहता, मैं तो जेड को ऐड करना चाहता हूँ 2, मैं ये करना चाहता हूँ, तो अब ये होगा कैसे? तो उसके लिए वो यूज अनदर इनबिल्ट फंक्शन, दैट इज इंट। इंट एक ऐसी इनबिल्ट फंक्शन है जिसके जिसके यहां पे जो भी वेरिएबल मैं पास करूंगा ये उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, लेकिन शर्त ये है कि उस वेरिएबल में वही कुछ वैसा होना चाहिए कंटेंट जो सच में नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मान लो मैंने यहाँ पे जेड दे दिया, ठीक है, तो जेड किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इंटीजर में, बात समझ आ रही है? और उसको वापस मैं डाल रहा हूं जेड के अंदर, क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, यू आर राइटिंग ए नंबर 5, योर आंसर इज 7। क्यों, क्या हुआ, यहां नंबर आ गया 5 लेकिन वो स्ट्रिंग है, तो जेड क्या बन गया, स्ट्रिंग टाइप, लेकिन उसके बाद इंट जेड की वजह से उसका टाइप, डेटा टाइप जो है वो चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, इंट फंक्शन है तो इंटीजर टाइप डेटा टाइप में चेंज हो गया, तो बन गया वो अब 5, 5 नंबर, और वो किस में चला गया, जेड। इसका मतलब अब जो ये जेड है अब ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, इंटीजर टाइप वेरिएबल बन गया। तो जब मैं इंटीजर टाइप वेरिएबल को 2 ऐड कर रहा हूं तो वो तो आराम से हो जाएगा, बिकॉज 2 विल बी एडेड विद द कंटेंट ऑफ जेड, और कंटेंट ऑफ जेड क्या है, 5, तो 5 प्लस 2 इज 7, वो जेड में वापस चला जाएगा एंड जेड विल बी प्रिंटेड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप, लेकिन अब यहाँ पे बेसिक ये है, डेफिनेशन ये है
यहां से जो भी यूजर टाइप करेगा वो पहले नंबर होना चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग हुआ, उसने उसने दे दिया राम, अब राम तो इंटीजर में कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो वो एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसको फिर से रन कर दिया और यहाँ एंटर नंबर की जगह मैंने राम दे दिया, तो देखो एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन। मतलब इंट को जो आप पास कर रहे हो, इंट को क्या मैं पास कर रहा हूँ, जेड, और जेड के अंदर क्या है, राम। राम तो नंबर में कन्वर्ट हो नहीं सकता, इसीलिए इसके ऊपर एरर दे देगा ये। इज इट क्लियर, ये समझ आ गया? सर, हाँ सर और ऊपर जो हमने z इक्वल टू इंट z लिखा है, यदि उसको लाइन नंबर 8 में ही लिख दें तो कुछ एरर आएगा? हाँ यहीं पे। हाँ नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। देखो यहाँ, यहाँ पे देखो, हाँ सर, वहीं पर। हाँ ऐसे। ये देखो, डन। यस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले जेड जो है स्ट्रिंग टाइप, उसका उसको उसके अंदर वैल्यू जो है उसको लिया जाएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा। अब उसको किसी में ढाला नहीं जाएगा, उसको इस ये जो मैंने हाईलाइट किया उसकी जगह सबस्टिट्यूट किया जाएगा, दैट इज 5। 5 इज इजीली एडेड विद 2, आंसर इज 7। 7 को डाला जाएगा फिर से जेड में। इसका मतलब जब 7 जेड के अंदर जाएगा, अब देखा जाएगा भाई 7 तो इंटीजर है, तो जेड का जो टाइप है वो भी ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएगा। बात समझ आ गई? एनीवन सो एल्स? हाँ सो मैं ये कह रही थी कि अभी जैसे आपने बताया कि स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर और नंबर एक साथ ऐड हो नहीं सकते हैं, हाँ तो सर उस हिसाब से तो फ्लोट और नंबर भी अलग अलग डेटा टाइप हैं। तो हाँ लेकिन फिर भी जब पाइथन में मैंने अभी जब किया एक अलग हाँ से वो तो मतलब हो टू जाएगा, और क्योंकि क्योंकि टू, तो वो ऐड हो गया? आप राम प्लस 2 कर सकते हैं, नहीं मैथमेटिकली स्पीकिंग नहीं कर सकते। 2 प्लस 2 नहीं कर सकते हैं, मतलब इंटीजर और इंटीजर ऐड हो सकता है। 2.5 प्लस 3.5 मतलब फ्लोट प्लस फ्लोट हो सकता है मैथमेटिकली, हाँ हो सकता हाँ है। हो सकता टू दैट इज एन इंटीजर प्लस 2.5 दैट इज ए फ्लोट हो सकता है मैथमेटिकली, है। हो सकता है। इसी हाँ तरह हो यहाँ पे भी हो सकता सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2.5 मतलब फ्लोट इज एडेड विद इंटीजर। इसको अगर करेंगे, इसको अगर हम रन करेंगे, यहाँ 5 दे दो, आंसर इज 7.5। अब इस केस में मुझे बताओ जो जेड फिर तो होगा, सर। अब इस केस में मुझे बताओ जो जो जेड होगा यहाँ पे, ये वाला जेड, ये वाला जेड, इसका टाइप क्या होगा, यस सर, क्या होगा, क्या फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट। बात, इसका फ्लोटिंग टाइप होगा जबकि इसका स्ट्रिंग था यहाँ पे। समझ आ गया? हाँ यस सर। बट सर सी प्लस प्लस में तो मतलब ये एरर दे देगा ना सर हाँ सी प्लस प्लस में एरर वहां दे पे? देगा, तो क्योंकि ये बेसिक यस डेफिनेशन थी भाई, इंट और फ्लोट तो ऐड होना चाहिए, लेकिन सी सी प्लस प्लस नहीं करता था, इसीलिए इसमें वो अपडेशन हो गया। ओके सर। सर मैंने जब मल्टीप्लाई करा सर ऐसे, तो सर 2 बार लिखा आ रहा है सर, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है फिर? क्या मतलब मल्टीप्लाई? यहाँ मतलब मल्टीप्लाई, मैंने सर जैसे कोई भी नाम लिखा मल्टीप्लाइड बाय कुछ इंटीजर कर रहा हूँ, तो वो उतनी बार अरे ही वो, लिखा आ जा रहा है। अरे अभी अभी वो आगे करेंगे, अभी टेंशन मत लो। आप इकट्ठे पूरा चाय का कप पीना चाहते हो, वो तो जल जाएगा ना गला, वो भी धीरे धीरे करेंगे। एक्चुअली यू आर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अभी तो हमने स्ट्रिंग पढ़ा नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इनपुट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करेंगे। अब उसको पढ़ने के लिए हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े, क्या पढ़ा, इंट और फ्लोट पढ़ा, और स्ट्रिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे जो आपका ये 2 बार डिस्प्ले हो रहा है या क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, वो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए उसको दिमाग में ही रखो, हो सकता है आज या अगले क्लास में वो हम कर लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? सर जो 8th लाइन में हमने इंट जेड किया हुआ है सर, उसको पाइथन में भी सर टाइप कास्टिंग ही कहते हैं? हाँ, टाइप कास्टिंग, ओके दिस इज एक्चुअली टाइप कास्टिंग। वी आर कन्वर्टिंग द टाइप ऑफ जेड फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन जेड इज हैविंग दैट थिंग इनसाइड इट व्हिच कैन बी एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। और टाइप कास्टिंग की वही बेसिक डेफिनेशन होती है, वेयर वी अपग्रेड और डाउनग्रेड डेटा टाइप्स।
Is it clear? Anyone having question? कुछ कोई बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट रह गए. कौन रह गया? मेरे तो पहले से पार्टिसिपेंट 83 है, जबकि स्टूडेंट्स 81 ही है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. तो फिर भी अगर कोई आ रहा है, आई एम एडमिटिंग ऑल, अलाउंग अलाउंग ऑल. इज इट क्लियर? तो कैसे हम इनपुट लेंगे, कैसे हम आउटपुट देंगे, ये सब क्लियर हो गया? अगर इसमें थोड़ा सा कुछ स्किप भी हो गया होगा हमसे अभी, तो वो आगे जब हम बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे उसमें हम धीरे धीरे करते जाएंगे. Someone has a question. किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एक पाइथन में टॉप से लेके डाउन तक, मतलब ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूशन होता है. हाँ, एग्जीक्यूशन ऊपर से लेके नीचे तक होगा. पहले लाइन वन, फिर लाइन टू, फिर लाइन थ्री, सो ऑन अप टू लाइन 11 तक एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद क्वेश्चन है, अगर ऐसा है तो इंट बनाने क्या है ये? अगर हाँ, तो सर जब अपने आपने जेड को इंट बनाया तो उसने यूजर से इनपुट क्यों नहीं लिया? यूजर से इनपुट क्यों लेगा? यूजर से हमने इनपुट यहीं पे ले लिया ना, पहली ही लाइन में यूजर से हमने इनपुट फंक्शन से इनपुट ले लिया, और उसने टाइप कर दिया जो भी वैल्यू उसने टाइप किया, लेकिन वो स्ट्रिंग में होता है. मान लो यहाँ जो आ गया 5, ये जो इनपुट है ये इस इनपुट फंक्शन की वजह से आ गया, और ये किस में चला गया? जेड में. उसके बाद मैंने यहाँ इस लाइन के अंदर पहले उस जेड वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो वो जो 5 है वो इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता, लेकिन उसको हटा दिया. भाई ये जो ये इंटीजर में हेलो कन्वर्ट हेलो है तो इंटीजर में. सर सर, हाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि अपन ने अगर टॉप से डाउन एग्जीक्यूट होता है तो पहले जेड को, जैसे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो उसको स्ट्रिंग लेना चाहिए ना, वो ले नहीं रहा है ना, एरर दिया था ना उसने. स्ट्रिंग कहाँ ले रहा था अगर अपन ने इंट बना दिया है तो? फिर से बोलो. सर अपन ने जैसे स्ट्रिंग दिया था इंटीजर बनाने के बाद, तो स्ट्रिंग एंटर कहाँ कर रहा था यूजर से? एरर दे रहा था वो. तो अगर टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होता है तो पहले उसके हिसाब से तो उसको लेना चाहिए स्ट्रिंग. ले तो रहा है स्ट्रिंग. मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका. सर आप जो अभी ये जो है ना, इसको सर एंटर नंबर के बाद 5 मत डालना, कोई नाम डालो सर, राम या कुछ. अच्छा ठीक है, रुको मैं बताता हूँ. इसको मैं कमेंट कर दूँ 5 मिनट के लिए. कहाँ चले गए? हाँ यस सर, यस सर. और चलेगा. सर जो ऊपर वाली इसको मैंने लाइन है कमेंट कर उसको दिया. उसको हाँ, हाँ अभी और अभी सेवेंथ देखो, वाले इसको को अगर, हाँ हटा दो. इसको अगर रन कर देते हैं, एंटर नंबर, लेकिन नंबर नहीं दिया मैंने, राम दे दिया. तो मैं बोल रहा हूँ तब से कि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ही लेता है, तो ये लेना चाहिए जो आप बोल रहे हो. तो ले लिया इसने, प्रिंट कर दिया राम को. हाँ, पर अगर एरर हमारा सेवेंथ लाइन को कमेंट मत कीजिए ना सर. सेवेंथ को कमेंट मत करो और तब फिर वो स्ट्रिंग एरर डाल दे लो, देगा ना, तो फिर तब वो एरर. एरर दे देगा ना. देखो देखो कैसे, जब मैं इसको हटा रहा हूं, मुझे बताओ यहां जेड में क्या आ जाएगा, इस लाइन में जेड में क्या आ जाएगा? सर इस लाइन के हिसाब से तो जेड स्ट्रिंग है. हाँ, उसमें जेड में क्या आ जाएगा? राम आएगा ना, राम. हाँ शाबाश. उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हो, भाई जेड के अंदर जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो. जेड जेड के अंदर क्या है? राम. अब राम सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, वो कैसे इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? तो ये एरर दे देगा. अब देखो, एरर, और एरर क्या है ये देखो. ये इनपुट में एरर नहीं है, इनपुट फंक्शन में, ये इंट फंक्शन में एरर है. ये बोल रहा है कि इनवैलिड ओके लिटरल फॉर इंट, मतलब इंट को जो आप पास कर रहे हो वो इंटीजर फंक्शन उस पर ऑपरेट हो ही नहीं सकता. तब वो इंट फंक्शन का जो इनबिल्ट कोड होगा वो एरर दे रहा है. तो ये उसमें प्रॉब्लम है, ये इनपुट में प्रॉब्लम नहीं है.
ठीक ओके सर क्लियर।